खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी अब कमर कस चुकी है। आज बीजेपी ने कई बड़े बदलाव पार्टी में किए। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए बीजेपी ने महाराष्ट्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत दादा पाटिल को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। आज रावसाहेब दानवे के महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के कुछ देर बाद ही चंद्रकांत दादा पाटिल को महाराष्ट्र में बीजेपी की कमान सौंप दी गई। चंद्रकांत दादा पाटिल वर्तमान में महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री हैं। इसके अलावा मुंबई में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी मंगल लोढ़ा को दी है। मंगल मुंबई के मालाबार से विधायक हैं। मंगल प्रभात महाराष्ट्र के बीजेपी उपाध्यक्ष थे। मंगल प्रभात जाने माने बिल्डर हैं। महाराष्ट्र में बड़े बदलाव के अलावा यूपी में भी बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी ने योगी सरकार में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को यूपी का बीजेपी अध्यक्ष बनाया। जो दायित्व मेरे को दिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी देवतुल कार्यकर्ताओं के बदौलत इस यात्रा को आगे बढ़ाने का कोशिश करूंगा। यही मेरा दायित्व है, यही मेरा जिम्मेवारी है। साल 1986 में आरएसएस से जुड़े स्वतंत्र देव सिंह संगठन की रग रग से वाकिफ हैं। लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र देव सिंह को एमपी में लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया था, जिसके बाद एमपी में बीजेपी को शानदार जीत मिली थी।